आजकल हमारी जिंदगी या तो घंटों एक जगह पर काम करते हुए बीत जाती है या फिर वीडियो स्क्रॉल करते हुए, और इन सब का नतीजा होता है स्ट्रेसफुल लाइफ। और ऊपर से हम इस पर चार चांद लगा लेते हैं ये बड़े से बर्गर की बाइट लेकर। आज मैं आपको सात ऐसे फूड बताऊंगी जो बढ़ा रहे हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल। नंबर वन पर है घी। अब ये तो माँ का प्यार है जो हर रोटी पे घी लगाया जाता है, और गाजर का हलवा तो घी के बिना अधूरा सा लगता है। पर जितना ज्यादा बढ़ेगा प्यार, उतनी होगी हमारी हेल्थ खराब। सेकंड नंबर पे है हाइड्रोजनेटेड फैट्स, जिसे ट्रांस फैट भी कहते हैं। ये हर डीप फ्राइड फूड में मिलता है। अब चाहे वो आपका क्रिस्पी समोसा हो, कचौड़ी, या हैप्पी मील के साथ मिले हुए फ्रेंच फ्राइज। ये मिलता है आपके लजीज पास्ता और अजीज केक्स एंड पेस्ट्रीज में भी। ब्रांड्स कितना भी रियल हेल्दी होने का क्लेम कर ले, इंग्रेडिएंट लिस्ट में अपनी औकात दिखाई देते हैं, जहां भी बड़ा बड़ा लिखा होता है हाइड्रोजनेटेड ऑयल। नंबर थ्री पर है बटर एंड चीज। ब्रांड चाहे कोई भी हो, होता उसमें कोलेस्ट्रॉल ही है। अब सैंडविच वाले भैया जितना करेंगे सैंडविच को लोड विथ चीज, समझ लेना साजिश है ये आपके हॉस्पिटल बिल्स बढ़ाने की। नंबर फोर पे है होल मिल्क। अब होल मिल्क है खराब, तभी तो मार्केट में आ रहे हैं टोन जैसे नाम। नंबर फिफ्थ पे है क्रीम। चाहे अब वो पनीर में शाही तड़का दे रही हो या आपके पास्ता में क्रीमी टेक्सचर। नंबर सिक्स पे है मीट। जितना होगा लाल, उतना होगा सेहत के लिए खराब। कोशिश करो लिमिट करके खाओ। लास्ट ऑन द लिस्ट इज योर एग योक। अब जो खाते ही एक दो अंडे, वो डर मत जाना, बस ज्यादा खाने वाले मॉडरेट में खाना।